मूवी की शुरुआत में हमें कुछ बच्चों को भागते हुए दिखाया जाता है, जहां डैनियल नाम का बच्चा अपने छोटे भाई को एक कवर्ड में छुपा रहा होता है और उस बच्चे का नाम एलेक्स रहता है। तभी एक घायल आदमी डैनियल के पास आते हुए दिखाया जाता है और उसे हेल्प मांगता है। उस आदमी का नाम चार्ली रहता है। तभी डैनियल चिल्ला के कहता है, ये यहाँ पर है। तब मास्क पहने कई लोग वहाँ आते हैं और एक रोती हुई लेडी भी रहती है, उसका नाम हेलेन रहता है। वो उस इंजर्ड गाय की वाइफ रहती है और उसे मार रहे होते हैं उसके फैमिली वाले। फिर उसे पकड़ कर ले जाते हैं एक रूम में, जहां हेलेन भी जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और 30 साल बाद एक लेडी को दिखाया जाता है जो जस्ट ब्राइड बन के बैठी है। उसका नाम ग्रेस रहता है और वो एलेक्स से शादी करने वाली रहती है। वैसे ही एलेक्स को आते हुए दिखाया जाता है, जहाँ रोमांटिक बात करता है। और फिर वैसे ही वहाँ डैनियल आता है और एलेक्स को विश करता है और ग्रेस को किसी चीज के लिए वार्न करता है, पर ग्रेस समझ नहीं पाती है। फिर ग्रेस को सबके साथ फोटोज खिंचवाते हुए दिखाया जाता है। उसके बाद एक लेडी को ग्रेस के साथ बात करते हुए दिखाया जाता है, वो एलेक्स की मॉम रहती है, उसका नाम बेकी रहता है। उसके बाद एलेक्स और ग्रेस की शादी होते हुए दिखाया जाता है। फिर जब वो अपने रूम में आते हैं तो ग्रेस एलेक्स को अपने कपड़े उतारने के लिए कहती है, पर एलेक्स एक बात कहने को जोर दे रहा होता है। तभी एक लेडी अचानक से एंट्री लेती है, वो एलेक्स की आंट रहती, उसका नाम हेलेन रहता है, वही जो रो रही होती है अपने हस्बैंड को मरते हुए देखकर। और वो ग्रेस और एलेक्स से कहती है, सब तुम दोनों का नीचे इंतजार कर रहे हैं। तब एलेक्स ग्रेस को एक बात बताता है कि इस फैमिली का एक ट्रेडिशनल है जो हर नए मेंबर को गेम खेलना होता है। तभी ग्रेस इसे हल्के में लेके कहती, अच्छा है तुम चलो मैं आती हूँ। उसके बाद एलेक्स वहाँ से चला जाता है और फिर ग्रेस को आते हुए दिखाया जाता है, जहाँ दूसरी ओर टोनी जो एलेक्स का डैड रहता है, वो एलेक्स से पूछ रहा होता है कि क्या तुमने सब कुछ बता दिया उसे। तो एलेक्स कहता है, अभी नहीं। और फिर ग्रेस को एक म्यूजिक वाले रूम में आते हुए दिखाया जाता है, जहाँ फैमिली के सारे मेंबर रहते हैं। उसके बाद एलेक्स की मॉम ग्रेस से कुछ बातें करती और तभी एलेक्स आ जाता है, जहाँ वो ग्रेस से पूछता है क्या मॉम ने कुछ बताया। तब ग्रेस कहती नहीं। वैसे ही एक लेडी को आते हुए दिखाया जाता है, वो एलेक्स की सिस्टर रहती और उसका नाम एमिली रहता है और उसका हस्बैंड का नाम फिच रहता है। और इंट्रोडक्शन के बाद सब वही रूम में एंटर होते हैं जहां हेलेन के हस्बैंड को ले जाया गया था, जहां टोनी रूल्स बता रहा होता है इस गेम को खेलने के लिए। उसके बाद एक बॉक्स में एक कार्ड उसके ग्रैंड पेरेंट्स से मिला होता है और उसमें प्रिंट होके आता है हाइड एंड सीक। और अब भी ग्रेस को कुछ पता नहीं होता है। तब टोनी ग्रेस को कहता है, हम 100 तक काउंट करेंगे, तुम्हें जाके हाइड होना होगा। उसके बाद 100 काउंट करने का म्यूजिक स्टार्ट होता है और सारे कैमरे ऑफ होते हैं और गेट लॉक हो रहे होते हैं, जहां ग्रेस एक छोटे से लिफ्ट में हाइड हो जाती है। तो दूसरी ओर टोनी अपने फैमिली मेंबर को वेपन्स दे रहा होता है। फिर वो वेट करते हैं वेपन्स लेने के बाद म्यूजिक खत्म होने का, और जब तक एलेक्स की मॉम उसे समझा रही होती है कि तुम यहीं रहो। और फिर वो सब वहां से निकल जाते हैं, जहां डैनियल की वाइफ चैरिटी को एलेक्स पे नजर रखने का काम पा जाता है। तभी हमें देखने को मिलता है एलेक्स एक सीक्रेट डोर से वहाँ से निकल जाता है ग्रेस की मदद करने के लिए। उसके बाद फिच और बेटी को साथ में ग्रेस को ढूंढते हुए दिखाया जाता है, पर फिच वॉशरूम जाने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। तभी ग्रेस को उस लिफ्ट में से निकलते हुए दिखाया जाता है और वैसे ही कोई उसे एक रूम में खींच लेता है और वो एलेक्स रहता है। वो ग्रेस को बेड के पीछे छुपने को कहता है। तभी एक मेड फिच के बच्चों को खोजने आई रहती है, पर एलेक्स की बहन एमिली उस मेट को मार देती है ग्रेस समझकर, और ये सब ग्रेस देख और सुन रही होती है बेड के पीछे छुप के, और वो थोड़ी सी शॉक में रहती है। तब वहाँ एलेक्स के फैमिली आ जाते हैं और एमिली को डांटते हैं और उस मेट को लेके चले जाते हैं। उसके बाद एलेक्स ग्रेस को ले जाता है उसी सीक्रेट रास्ते से और वहाँ सब ग्रेस को बताता है। तब ग्रेस कहती है एलेक्स को कि उसने क्यों नहीं सबके बारे में बताया। तब एलेक्स कहता है, मैं इन सब जैसा नहीं हूँ और मैं तुम्हें यहाँ से बचाऊंगा, और उसे किचन के रास्ते से बाहर जाने के लिए कहता है। और जब तक वो कैमरा रूम में जाके डोर अनलॉक करेगा, और फिर एलेक्स को कैमरा रूम में जाते दिखाया जाता है, जहाँ दूसरी ओर ग्रेस भी किचन की ओर जा रही
होती है, पर दो डोर सामने आ जाते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाती है। और तभी टोनी डैनियल हेलेन को उस मरी हुई मेड को कैरी करते हुए दिखाया जाता है। तभी एमिली को ग्रेस देखती है पर वो निशाना नहीं लगा पाती है, पर ग्रेस वहां से भाग जाती है। तब टोनी कहता है एमिली से सीधा मारने के लिए। उसके बाद ग्रेस को भागते हुए दिखाया जाता है जहाँ वो ट्राई भी कर रही होती है विंडो ओपन करने के लिए, पर वो लॉक रहता है। और दूसरी ओर डैनियल भी वहीं रहता है और वो कहता है मैं तुम्हें 10 सेकंड दूंगा यहाँ से भागने के लिए, और फिर वो चिल्लाने लगता है ये यहाँ पर है। पर जब तक ग्रेस वहाँ से भाग जाती है वैसे ही डैनियल की वाइफ और दूसरे मेंबर आते हैं, तो डैनियल कहता है कि वो भाग गई। तभी एमिली कहती है कि उसने अपनी गन खो दी है। तब फिच अपनी एरो देता है, वो भी एमिली से चल जाता है और एक और मेट को फिर से मार देती है और सब उसे फिर से बोल रहे होते हैं। उसके बाद बेकी कहती है कि हमें सिक्योरिटी कैमरा यूज करना चाहिए। तब हेलेन कहती है तुम्हें ट्रेडिशन का कोई ख्याल है कि नहीं, और उन सब में बहस होती है और लास्ट में सिक्योरिटी कैमरा देखने का तय होता है। तभी ग्रेस को भागते हुए दिखाया जाता है जहाँ वो उसी डोर के पास रुकती और अंदर जाती है और वहाँ पड़े गन को ले लेती है। दूसरी तरफ एलेक्स सिक्योरिटी कैमरा ऑन कर सब देख रहा होता है जिससे कि ग्रेस को भागने में मदद कर पाए। और जब ग्रेस किचन में पहुँचती है तो वहाँ एक सर्वेंट आता है तो छिप जाती है। तभी टोनी और डैनियल आते हैं कैमरा ऑन करने के लिए, पर एलेक्स गेट बंद कर रखा होता है। फिर ग्रेस को दिखाया जाता है जहाँ वो उठती है और उस सर्वेंट पे गन तानती है पर वो गन नहीं चला पाती है। तभी वो सर्वेंट ग्रेस की गन ले लेता है और ग्रेस वहीं रखी चाय उसके फेस पे मार देती और वहां से भाग जाती है। फिर टोनी और डैनियल डोर पीट रहे होते हैं, तभी एलेक्स कैमरा सिस्टम को तोड़ देता है जिससे कि वो इस कैमरा का यूज ना कर पाए। तभी टोनी अंदर आता है और एलेक्स उसे पकड़ लेता है तो डैनियल उसे बात करके बझाए रखता है। वैसे ही पीछे से टोनी एलेक्स को सर पे मार कर बेहोश कर देता है। उसके बाद एलेक्स को उसके बेड से बंधे हुए दिखाया जाता है जहाँ वही विंडो के बाहर ग्रेस खड़ी रहती और कुत्ती और वहाँ से भाग के एक तबेले में जा छुपती है। तभी कोई फ्लैशलाइट लेके वहाँ आता है और फिर हमें पता चलता है कि वो जॉर्जी रहता है। तभी ग्रेस उसे बोलने ही जाती और वो गोली चला देता है जिससे कि ग्रेस के हाथ में जाके लगता है और फिर ग्रेस उसे एक पंच मार कर बेहोश कर देती है और उसकी फ्लैशलाइट ले लेती है। पर सामने खड़े एक बकरे से डर के जब वो पीछे की ओर जाती है तो एक अंडरग्राउंड केबिन में गिरती है जहाँ बहुत सारे बकरियां मरी पड़ी रहती हैं और वो वहां से बाहर आती है। पर एक और कांटी उसके दूसरे हाथ में लग जाता है जिससे कि वो खूब चिल्लाती और जैसे तैसे कर बाहर आती और थोड़ी देर बैठती है। फिर चैरिटी को दिखाया जाता है जहाँ वो बाहर पहरा दे रही होती है। वैसे ही ग्रेस उसे दिखती है और वो अटैक करती है, पर उसके पास एरो होने के कारण उसे लगता ही नहीं और वो भाग जाती है। तभी चैरिटी उस सर्वेंट को बताती है कि ग्रेस नॉर्थ फेंस की ओर जाते हुए देखा है अभी। और फिर ग्रेस को फेंस के पास आके हेल्प के लिए चिल्लाते हुए दिखाया जाता है जहाँ कोई उसके नहीं सुनने वाला रहता है। तो वो फेंस से निकलने का फैसला करती है, पर जब वो बाहर की ओर निकल रही होती है तभी उसके शरीर पे एक रॉड से कट हो रहा होता है। पर वो उससे दर्द करना सोच के बाहर निकल जाती और तभी वहां से एक गाड़ी गुजरती है, पर वो गाड़ी नहीं रुकती है। उसके बाद वो सर्वेंट को एक गाड़ी में आते हुए दिखाया जाता है फेंस चेक करते हुए, और वहां उसे ग्रेस का एक फटा हुआ कपड़ा मिलता और वो टोनी को कॉल करता है। उसके बाद डैनियल कहता है चलो अब ये गेम खत्म। तब टोनी कहता है अभी खत्म नहीं हुआ है। वैसे ही बेकी कहती है चैरिटी और एमिली को कि जाके सारे मेट को ठिकाने लगाओ। फिर दिखाया जाता है ग्रेस एक ट्रिक के पीछे छुपी हुई रहती है जहां सर्वेंट खोज रहा होता है उसे। दूसरी ओर एलेक्स को होश आता है तो वो अपने बंधे हुए हाथ खोलने की कोशिश करता है। वैसे ही डैनियल और एमिली को उन मेट को ठिकाने लगाते हुए दिखाया जाता है जहाँ एमिली को जॉर्जी दिखता है और वो उसके पास जाती है। तब जॉर्जी कहता है कि वो ग्रेस के पीछे आया था उसे मारने के लिए, पर वो उसे मार कर भाग गई। उसके बाद ग्रेस को भागते हुए दिखाया जाता है जहां वैसे ही वो सर्वेंट अपनी गाड़ी के साथ आ जाता है और ग्रेस को पकड़ने लगता है। तभी ग्रेस उसे मार कर बेहोश कर देती और उसकी गाड़ी लेकर वहां से चली जाती और पुलिस को कॉल करती है और हेल्प मांगती है, पर पुलिस उसकी हेल्प करने की बजाय उस
गाड़ी को लॉक कर देती है, ये कहकर कि ये गाड़ी चोरी होने की सिग्नल मिल रही, और वैसे ही वो गाड़ी लॉक हो जाती और ग्रेस बेहोश हो जाती है। उसके बाद जब उसे होश आता है तो उसे लगता है कि एलेक्स उसे बचा रहा होता है, पर जब रियलिटी में देखती है तो सर्वेंट वो गाड़ी चला रहा होता और टोनी से बात कर रहा होता है, फिर म्यूजिक स्टार्ट कर खुशी मना रहा होता है। वैसे ही ग्रेस उसे पीछे से मारती और ये सब टोनी और पूरी फैमिली देख रही होती है, और सर्वेंट को वार्न करना चाह रही होती है कि ग्रेस पीछे है, पर वो म्यूजिक को एंजॉय कर रहा होता है। वैसे ही ग्रेस उसे मारती और गाड़ी पलट जाती है, और जब बाहर आती है तो डैनियल वहाँ खड़ा रहता है। ग्रेस उससे हेल्प मांगती है पर डैनियल उसे गन से मार कर बेहोश कर देता है। उसके बाद टोनी भी वहाँ आता है। उसके बाद बेकी को एलेक्स के साथ दिखाया जाता है, जहाँ वो एलेक्स को समझा रही होती है, पर एलेक्स कहता है ग्रेस ने उसे बदल दिया और जब भी उसे चुनने का मौका मिलेगा तो वो ग्रेस को चुनेगा। फिर सारे फैमिली को एक रिचुअल करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ ग्रेस एक टेबल पे बंधी हुई रहती और सब एक एक कर कुछ पी रहे होते हैं। उसके बाद वैसे ही सब उल्टियाँ करने लगते हैं, तभी डैनियल ग्रेस को वहाँ से बाहर निकालता है, और जब ग्रेस को लेके जा रहा होता है तभी चैरिटी वहाँ सामने आ जाती है और गन तान देती है दोनों पे और कहती है कि तुम्हें जरा भी मेरी फिक्र नहीं मेरे मरने की, और एक गोली चला देती है। तभी वो गोली की आवाज़ एलेक्स को भी सुनाई देती है, जो अपने बेट को काट कर वहाँ से भागा होता है। तभी ग्रेस चैरिटी से गन लेती है, पर उसमें जब तक गोली खत्म हो चुकी होती है तब उसे उसी गन से मार कर बेहोश कर देती, और उसके बाद दिखाया जाता है डैनियल के गले में गोली लगने के कारण वो तड़प पड़ा होता और ग्रेस को कहता है जाने के लिए। वैसे ही फिर टोनी ग्रेस के सामने आ जाता है तो ग्रेस उसे वहां रख के लैंप से मारती और भाग जाती है। तभी एलेक्स को डैनियल के पास आते हुए दिखाया जाता है, जहां वो मर जाता है। फिर जब ग्रेस भाग रही होती है तभी बेकी एक एरो मारती है। उसके बाद बेकी और ग्रेस में लड़ाई होती है, पर ग्रेस बेकी को मार देती है उसी गेम वाले बॉक्स से, और जब उठती है तो देखती है कि एलेक्स वहीं खड़ा उसे देख रहा होता है, और फिर वो ग्रेस को पकड़ लेता है और सबको बुलाता है, जहां दूसरे बेकी को देखकर रोने लगते हैं। वैसे ही हेलेन कहती है सूर्य उगने वाला है और इसे पहले मारना होगा। फिर सबको ग्रेस को पकड़े हुए दिखाया जाता है, जहां एलेक्स एक नाइफ लेके खड़ा रहता है, और जब एलेक्स ग्रेस को मारने वाला रहता है तभी ग्रेस साइड हो जाती है, जिससे कि वो नाइफ उसके शोल्डर पर लग जाती है और वो उस नाइफ को लेके खड़ी हो जाती है एक कोने में और सब देख रहे होते हैं। तभी हेलेन देखती है सुबह हो गई है, और जब कर्टन हटाती है तो सब डर जाते हैं कि वो मरने वाले हैं, क्योंकि ये गेम हारने के बाद वो खुद मर जाएंगे, उनका मानना था ये, पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है और सब शॉक रहते हैं थोड़ी देर पर। जब हेलेन कहती इसे अभी मरना होगा और वो एक एक्स उठाकर मारने जाती, तभी उसकी बॉडी ब्लास्ट कर जाती है, जहां हमें पता चलता है कि ये सच में होता है, और धीरे धीरे सब मर रहे होते हैं और ग्रेस सिर्फ खड़े होकर देख रही होती है। और सबके मरने के बाद सिर्फ एलेक्स और ग्रेस बचती है, तब ग्रेस वहां से जा रही होती है। तब एलेक्स उसे मनाने की कोशिश करता है कि वो उसे प्यार करता है और उसने उसे बदल दिया, पर वैसे ही एलेक्स की बॉडी भी ब्लास्ट कर जाती, और वैसे ही ग्रेस को एलेक्स के ग्रेट ग्रैंडफादर की आत्मा दिखती और वो भी वहाँ से शॉक होकर निकलती और सब अपने आप जलने लगता है, और उसे बाहर आके बैठते दिखाया जाता है। फिर पुलिस आती है और मूवी का दिन हो जाता है।